हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? हमें बताना है कि बोरोन जिस स्तंभ यानी जिस समूह में आता है उसके सभी तत्वों के कौन से गुण समान होते हैं, और ऐसे ही फ्लोरीन के बारे में बताना है। तो अपन तो आवर्त सारणी से देखो, आवर्त सारणी में पहले देखो कि बोरोन कौन से समूह का तत्व है। दिख रहा है आपको आवर्त सारणी में बोरोन, ये लीजिए 13वें समूह का तत्व है। अब हमें बताना है कि इसके नीचे आने वाले तत्व, इसी समूह के जो दूसरे तत्व हैं बोरोन के नीचे, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम, इनके गुण कौन से गुण एक जैसे होंगे। तो आप पहले से जानते हैं अगर 13वें समूह में के तत्व हैं तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 में से 10 घटा दो 3, तो इन सब के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक गुण इनका एक जैसा हो गया। और क्या बता सकते हो, अंतिम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, 4 से ज्यादा होते हैं ना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 4 से कम है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाएंगे। तो ये सारे, इन सबकी संयोजकता 3 होती है, ये धनायन बनाते हैं 3 आवेश वाले। और क्या समानता है इन समूह 13 के तत्वों में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बना रहे हैं, यानी यहाँ सारे के सारे तत्व कैसे हैं, धातुएं हैं। तो ऐसे अगर आपको किसी तत्व के समूह के बारे में पता चल जाए तो आप उस समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म बता सकते हैं। जैसे बोरोन समूह 13 का सदस्य है, अगर 13 में से 10 घटाएं 3 बचता है, तो बोरोन समूह अर्थात 13वें समूह के सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके ऊपर 3 धनावेश आते हैं, देखो 3 धनावेश युक्त धनायन बनाते हैं, और चूंकि ये धनायन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अर्थात ये सभी धातुएं हैं। चलो ऐसे ही अगला देख लीजिए, फ्लोरीन, ढूंढो फ्लोरीन कहां पर है। फ्लोरीन ये देखिए, फ्लोरीन समूह 17 का तत्व है। तो हमें बताना है कि समूह 17 में जितने भी तत्व आ रहे हैं उन सबके कौन कौन से गुण एक जैसे होंगे। तो देख लीजिए 17 में से 10 कम कर दो तो इन सबके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 7। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1, तो ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ताकि इनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इनकी संयोजकता हो गई 1। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे इन सब सारे तत्वों के ऊपर 1 ऋण आवेश आ जाएगा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये सारे के सारे अधातु या अधात्विक तत्व हो जाएंगे। तो कितना सारा पता चल गया हमको, लीजिए क्लोरीन सारणी चली गई वापस, चलिए तो क्लोरीन के बारे में, ये तो हमारा हमने बोरोन के बारे में बता दिया कि इन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे हैं, 3 देकर 3 धनावेश युक्त धनायन बनाएंगे और ये सभी धातुएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन हमने आवर्त सारणी के आधार पर आपको समझा दिया है कि ये 17वें समूह का सदस्य है, 17 में से 10 घटाए इन सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन 1 लेकर 8 हो जाएंगे, अर्थात ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 1 ऋणायन बनाएंगे, इनके ऊपर 1 ऋण आवेश आएगा, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ऋणायन में बदल रहे हैं, अर्थात ये सभी अधात्में हैं। तो हमने क्लोरीन के बारे में लिख दिया बी नंबर में, सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 1 ऋण आवेश युक्त ऋणायन बनाएंगे, क्योंकि ऋणायन बना रहे हैं ये सभी अधातुएं हैं। और एक और गुण हमने लिख दिया, ये सभी हैलोजन कहलाते हैं, समूह 17 के सभी तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं के साथ मिलकर हैलाइड या समुद्री लवण बनाते हैं। तो समूह 17 के सभी तत्वों के जो लवण हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसलिए समूह 17 को हम हैलोजन के तत्व भी कहते हैं, ये सभी धातुओं के साथ मिलकर हैलाइड बनाते हैं। जैसे हैलाइड यानी क्लोरीन का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। चलिए अब उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए, तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।